सो हाई फ्रेंड, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि ड्रीम इलेवन का पुराना वाला अकाउंट कैसे आपको रिकवरी करना है, यानी कि दोस्तों आपका जो पुराना वाला जो अकाउंट है उसको कैसे आपको फिर से आपको लाना है। बट अकाउंट लाने से पहले आपको दो चीज़ होना आवश्यक है, एक जीमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक है तो बहुत ही आसान तरीके से आप ड्रीम इलेवन का पुराना वाला अकाउंट आप रिकवरी कर पाओगे। तो दोस्तों कैसे आपको लाना है, तो आज की इस वीडियो में सबसे मैं आपको आसान तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले आप सभी को न्यू वीडियो आप सभी को जल्दी पहुँच जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको जो सिखाऊंगा जीमेल और मोबाइल नंबर से रिकवरी करना, तो दोस्तों मैं दोनों चीज़ में आपको सिखाऊंगा। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से भी आप लोग रिकवरी कर सकते हो पुराना वाला अकाउंट, और जीमेल है तो जीमेल से भी आप लोग पुराना वाला अकाउंट आप लोग रिकवरी कर सकते हो। तो दोनों चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको सिखाता हूँ प्रैक्टिकली आपको कैसे इस चीज़ को अप्रूव करना है। यहाँ से दोस्तों मैं अपना ड्रीम इलेवन यहाँ से मैं ओपन कर लिया हूँ, तो आप लोग भी ओपन कर लीजिएगा। ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको लिखाएगा सेलेक्ट ऐप लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे आपको लैंग्वेज आपको दिखाया जाएगा। तो आप लोग जिस भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि आप लोग जिस भी लैंग्वेज में आप लोग जानते हो कुछ ड्रीम इलेवन के बारे में, तो आप लोग यहाँ से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इंग्लिश कर लिया हूँ। एंड यहाँ से दोस्तों आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से कंटिन्यू आपको कर देना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू करते हो तो फिर से आपको नेक्स्ट पेज आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको नीचे में दिखा जाएगा गेट स्टार्टेड, यहाँ आपको दिख रहा है गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन दिख रहा है, सो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। एंड जैसे आप लोग यहाँ से क्लिक करते हो तो यहाँ से आपका मोबाइल नंबर आपको देना है। ठीक है, जो पुराने वाले अकाउंट में आप लोग मोबाइल नंबर दिए थे उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ से मैं अपना मोबाइल नंबर दे, यानी कि मोबाइल नंबर यहाँ से मैं एंटर कर लेता हूँ। सो मोबाइल नंबर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा, आप लोग देख सकते हो छोटा वाला एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स को आपको टिक कर लेना है। एंड जैसे आप लोग यहाँ से टिक करते ही आपको यहाँ से कंटिन्यू का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कंटिन्यू आपको कर देना है। एंड जैसे आप लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हो तो आपके मोबाइल फ़ोन पर OTP आएगा 6 अंक का, उस OTP को आपको फिलअप कर देना। वैसे तो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है, तो यहाँ से आपको अलाउ का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ से आपको अलाउ कर देना है, ऑटोमेटिक आपका फिलअप हो जाएगा और थोड़ा देर प्रोसेसिंग लेगा, आपका जो अकाउंट है आपका यानी कि रिकवरी हो जाएगा पुराना वाला अकाउंट। तो इस तरीके से आप पुराना वाला अकाउंट को रिकवरी कर सकते हो मोबाइल नंबर देकर। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ जीमेल आईडी डालकर पुराना वाला अकाउंट कैसे रिकवरी करना है। तो यहाँ से मैं इस अकाउंट को लॉग आउट कर देता हूँ। मैं उस अकाउंट को फिर से मैं लॉग आउट कर दिया हूँ। अब हम सीखने वाले हैं जीमेल आईडी से कैसे लॉग इन करता है पुराना वाला अकाउंट को। ठीक है, तो यहाँ से आपको लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैं आपको बताया हूँ पहले वैसे आप लोग लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। और नीचे में आपको दिख रहा है कंटिन्यू का ऑप्शन, कंटिन्यू कर देना है। एंड यहाँ से आपको गेट स्टार्ट का जो ऑप्शन मिलेगा फिर से आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ से क्लिक करते हो तो फिर से आपका मोबाइल नंबर देने का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन आपको तो पता है जीमेल आईडी से कैसे लॉग इन करना है, तो वो कैसे करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर लॉगिन ऑप्शन, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो अदर लॉगिन ऑप्शन। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना हो। एंड जैसे आप लोग यहाँ से क्लिक करते हो तो यहाँ से अपना ईमेल आईडी आप लोग यहाँ से दे सकते हो। अगर आपके पास जीमेल आईडी आप लोगों को याद नहीं है तो करना क्या होगा दोस्तों, आपको दिख रहा है गूगल का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर गूगल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग गूगल वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करते हो तो जितने सारे आपके मोबाइल फ़ोन में जीमेल आईडी बना होगा सारा का सारा यहाँ से आपको डिटेक्ट करके आपको दिखा देगा। ठीक है, उस जीमेल आईडी को आप लोगों को फाइंड करना है जो जीमेल आईडी आप लोग दिए हो ड्रीम इलेवन अकाउंट में पुराने वाले अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस वाले अकाउंट को मानिए इस वाले जीमेल आईडी को मैं दिया हूँ पुराने वाले अकाउंट में, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। एंड जैसे क्लिक करते हो आ गया, आप लोग देख भी सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपका जो अकाउंट आ सकता है पुराना वाला अकाउंट, कुछ इस तरीके से आप लोग ला सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाला सभी वीडियो आप सभी को जल्दी पहुंच जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।